अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद उवैस शमसी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी रहा। टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से जैसा कि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ डिफरेंट ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रेलेवेंट वीडियोस, डिफरेंट फ्री वेबसाइट ट्रैफिक से रेलेवेंट वीडियो। तो इस तरीके से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से। उसका आज है लेक्चर नंबर 3, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है वॉट आर मार्केटिंग फनल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, कि मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ द टाइम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो मार्केटिंग फनल्स, आप बेसिकली सबसे पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि मार्केटिंग फनल्स क्या होते हैं। मार्केटिंग फनल आसान लफ्ज़ों में कि वो आपकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए, आपकी सेल्स को जनरेट करने के लिए मार्केटिंग फनल्स जो हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं, मार्केटिंग फनल्स बनाए जाते हैं। डिफरेंट हम आगे चल के हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मार्केटिंग फनल्स की फ्री वेबसाइट्स भी हैं जहाँ जाके आप डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग फनल आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप ड्रिबल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप मार्केटिंग फनल मैनेजर, जैसे कि आपको उसकी एक एग्जाम्पल कोट कर दी कि आप ड्रिबल पे जा सकते हैं, वहाँ जाके आप अपने मार्केटिंग फनल्स को डिस्कवर कर सकते हैं, जो है ना वो कंटेंट विद डिज़ाइंस आप कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आप जो है ना वो आप 1100 प्लस फनल्स जो है ना वो आप वहाँ पे ड्रिबल पे जाकर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। वहाँ से आके आप आइडियाज़ ले सकते हैं, आपकी सेल्स को जनरेट करने के लिए फ़नल जो है वो कारामद होता है। और फनल का बेसिकली काम होता है कि वो आपके कस्टमर को, आपकी ऑडियंस को एजुकेट करता है, उसको एंड मोमेंट तक लेके जाता है, एंड स्टेप तक लेके जाता है कि जब तक वो परचेजिंग नहीं कर लेता। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा सा हम इसको डिटेल समझते हैं। अ मार्केटिंग फनल इज अ मॉडल दैट इलस्ट्रेट्स द जर्नी पोटेंशियल कस्टमर्स टू पोटेंशियल कस्टमर्स गो थ्रू फ्रॉम फर्स्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, वही वाली बात, टू इवेंचुअली मेकिंग अ परचेज एंड बियॉन्ड। इन डिजिटल मार्केटिंग द फनल हेल्प्स बिजनेस अंडरस्टैंड एंड मैनेज द स्टेजेस ऑफ दिस जर्नी ऑफ टू ऑप्टोमाइज देयर स्ट्रेटजीज एंड ड्राइव कन्वर्सेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें समझे, आप समझ गए होंगे। हेयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ द टिपिकल स्टेजेस इन अ मार्केटिंग फनल। तो अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर और हम इसको समझते हैं मज़ीद इन डिटेल कि बेसिकली फनल्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं और किस तरीके से हमें फनल्स डिज़ाइन करने चाहिए। और हमें वो बेसिकली, हमें प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, फनल्स का कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया, मैंने आपको बता दिया आई होप कि फनल्स जो है वो आपके कस्टमर्स को अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं और एंड मोमेंट पे उसको सेल्स जनरेट करने में, आपकी सेल्स को जनरेट करने में, लीड्स को जनरेट करने में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जैसे कि आपको ड्रिबल की आपको एग्जाम्पल कोट की कि आप ड्रिबल बेसिकली एक जो है वो एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जाके अपने फनल्स वगैरह आप फ्री 1100 प्लस फनल्स जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपनी लीड्स को और सेल्स को जनरेट करने में आपको वो हेल्प आउट करते हैं। तो ये बेसिकली फनल्स होते हैं, लेकिन इसको इन डिटेल अगेन हम समझते हैं कि सबसे फर्स्ट पे मैंने रखा है अवेयरनेस को। अवेयरनेस बेसिकली क्या होती है, ये मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर लेता हूँ। लेक्चर को आपने एंड तक देखना है, जब आप ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, इसके तमाम लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे, आई एम श्योर कि आप एलिजिबल हो जाएंगे एक अच्छी और एक पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। तो अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अवेयरनेस बेसिकली क्या होती है फनल्स में। दिस इज़ द टॉप ऑफ द फनल वेयर पोटेंशियल कस्टमर फर्स्ट लर्न अबाउट योर ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस। एट दिस स्टेज योर गोल इज़ टू जनरेट विजिबिलिटी एंड अट्रैक्ट अटेंशन। टैक्टिक्स इंक्लूड कॉन्टेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट, SEO एंड पेड मार्केटिंग। अब देखें, इसमें आपको ना टैक्टिक्स का जो है ना, आपने इसमें अपनी कुछ टैक्टिक्स जो है ना वो अपने आप अप्लाई करनी है। क्या मतलब आपके ऑडियंस को आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या आपने करना क्या है, तो आप कंटेंट मार्केटिंग थ्रू आउट द कंटेंट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, थ्रू आउट द सोशल मीडिया पोस्ट, यानी कि कंटेंट मार्केटिंग जैसे मैंने प्रीवियस दोनों लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंटेंट इंगेजिंग और कंटेंट मार्केटिंग। तो बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है कि आप डिफरेंट जो है वो उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट, जैसे कि आप किसी वेट लूज की प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हैं, फॉर सपोज कि आप किसी, तो आपने उस पर एक अच्छा सा कंटेंट आपने लिख के, इतनी डिफरेंट जो है ना वो चैनल्स हैं इसके, कि आप डिफरेंट चैनल्स मीन्स के इतनी मतलब डिफरेंट मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप वहाँ से उसको ले सकते हैं, उस कंटेंट को ले सकते हैं और उसका आइडिया ले सकते हैं और फिर आप उसको अच्छे से राइट डाउन करके उसमें जो चीज़ें ऐड करनी है, जो चीज़ें उसमें से जो है रिमूव करनी है, स्किप करनी है, वो सारी चीज़ें करके आप अच्छे से उस कंटेंट को, अच्छा इंगेजिंग कंटेंट आप मेंटेन कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू।
अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज को अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को आप जो है वो उस तक वो मैसेज आप पहुँचा सकते हैं इजीली। सोशल मीडिया पे आप पोस्ट कर सकते हैं, अच्छी अट्रैक्टिव पोस्ट कर सकते हैं आप उसकी, अच्छी सी जो है ना वो SEO करके और SEO के थ्रू भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। क्या आप कंटेंट मार्केटिंग करें उस पर अच्छी सी SEO करके आप ये सारी की सारी चीज़ें, SEO बेसिकली देखें, SEO जो है ना बेसिकली आप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्या SEO आपने उसकी अच्छी सी SEO की, नहीं कि उसमें अच्छे से आपने हैशटैग वगैरह ऐड किए, रेलिवेंट टैग्स उसमें आपने टैग्स जो हैं वो आपने ऐड किए, रेलिवेंट आपने उसके अंदर कंटेंट आपने उसके अंदर ऐड किया, आपने कंटेंट लिखा, उसके अंदर राइट डाउन किया और रेलिवेंट आपने उसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन दी, इंगेजिंग इन्फॉर्मेशन दी, तो यही बेसिकली आपकी SEO हो जाती है सोशल मीडिया पे। तो कंटेंट मार्केटिंग के केस में SEO थोड़ी डिफरेंट होती है, वहाँ पे भी आपको SEO करने की नीड होती है कि आप अच्छे कीवर्ड्स के साथ जाएं, अच्छे कीवर्ड्स आप ऐड करें, जिन कीवर्ड लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स पर आप जाएँ। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को देखना होता है, ये थोड़ा सा और मैंने आपको डिटेल में गाइड कर दिया। नहीं तो फिर आप पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल कोट करी, ड्रिबल पे आप फ्री आप कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि इसका चार्ज भी लेती हैं आपसे एक अच्छा फनल डिज़ाइन करने में, वो सारी चीज़ें आपको खुद ऐड करके देती हैं, आपने सिर्फ वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कोट करनी होती है, तो ये चीज़ होती है। तो सेकंड हम देखते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली क्या है, सेकंड पे हमारे पास है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बेसिकली होता है वंस प्रोस्पेक्ट्स आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट, राइट। दिस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड एंगेजिंग कॉन्टेंट दैट एड्रेसेस देयर नीड्स और प्रॉब्लम्स। दिस कैन बी अचीव थ्रू ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, न्यूज़लेटर एंड टारगेटेड कॉन्टेंट। तो आपको अपने ऑडियंस की नीड्स को समझना है कि उनकी नीड्स क्या है, एंगेजिंग कंटेंट आपने अपना ऐड करना है, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपने अपनी देनी है। जैसे कि मैं प्रीवियस अवेयरनेस में आपको ये सारी की सारी चीज़ें बता रहा था कंटेंट मार्केटिंग के केस में, तो ये आपने ऐड करनी है, आपने अच्छी अवेयरनेस देनी है, ठीक है ना। आपको अवेयर मतलब वंस प्रॉस्पेक्ट आर अवेयर ऑफ योर ब्रांड, तो जो है ना आपको अवेयर की भी आपको जो है ना वो इसमें सारी की सारी चीज़ें, द नेक्स्ट स्टेप इन टू बिल्ड देयर इंटरेस्ट, यानी कि फर्स्ट आपने अवेयर होना है और दूसरा इसमें जो स्टेप है वो ये कि आपने उनके इंटरेस्ट को, आपने अपने ऑडियंस के इंटरेस्ट को, कस्टमर के इंटरेस्ट को आपने समझना है। इन दिस इन्वॉल्विंग प्रोवाइडिंग वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने इन्वॉल्व करनी है, प्रोवाइड करनी है वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन में, आपने इन्वॉल्व होना है, प्रोवाइड करना है एंगेजिंग कॉन्टेंट और ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली इंटरेस्ट है। और इसको करते हुए आपने अपने फनल्स को और आप थ्रू आउट इसको इंपॉर्टेंट चीज़ के ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, न्यूज़लेटर एंड टारगेटेड कंटेंट के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे मैंने रखा है कंसीडरेशन को। कंसीडरेशन बेसिकली क्या है, एट दिस स्टेज पोटेंशियल कस्टमर्स आर इवेल्यूएटिंग देयर ऑप्शन एंड कंसीडरिंग वेदर योर प्रोडक्ट और सर्विस इज राइट फॉर देम। दिस इज वेयर यू नेचर lead with more in-depth content such as case studies, product demos, webinars and customer testimonials। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपने webinars वगैरह create करने हैं, engage करना है अपने audience को और ये सारी चीज़ें करते हुए आपने in-depth study करते हुए ये सारी चीज़ें करनी है। आपने demos देने, testimonials आपने जो है वो अपने जो है ना customers को आपने अपने टेस्टिमोनियल्स आपने क्रिएट करने, किस तरीके से करने हैं, वेबिनार करने, तो ये सारी चीज़ें आप सर्च जो है वो सर्च ब्राउज़र में जाके, गूगल सर्च ब्राउज़र में जाके, जो भी आप सर्च ब्राउज़र आप जो है वो आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं अपनी सर्चिंग के लिए, मोस्टली आप बहुत से लोग गूगल ही इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सर्च गूगल में जाके, सर्च ब्राउज़र में जाके सारी की सारी चीज़ें लिखनी है कि वॉट इज़ द टेस्टिमोनियल फॉर पोटेंशियल कस्टमर्स using interest and creating funnel, तो वो आपको डिटेल मतलब ये सारी चीज़ें आपको खोल के देगा और आपने उसको देखते हुए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हुए सारी की सारी चीज़ें करनी है। मैंने सिर्फ आपको डिटेल में बता दिया कि ये बेसिकली है क्या, आपके टारगेटेड ऑडियंस को आपने जो है वो किस तरीके से अपने ई मेल, न्यूज़ लेटर के थ्रू करनी है। अच्छा, ये तो हमारे पास इंटरेस्ट था नंबर सेकेंड पे। नंबर थर्ड पे मैंने रखा है कंसिड्रेशन को। कंसिडरेशन है, एट दिस स्टेज पोटेंशियल कस्टमर्स आर इवेल्यूएटिंग देयर ऑप्शन एंड कंसिडरिंग वेदर योर प्रोडक्ट और सर्विस इज राइट फॉर देम। यानी कि अगेन ये सॉरी मैंने डिस्कस कर लिया था कंसिडरेशन, ये मैंने डिस्कस कर लिया था, सेकेंड भी डिस्कस हो गया, थर्ड भी डिस्कस हो गया। अब फोर्थ पर हमारे पास है बेसिकली इंटेंट।
इंटेंट क्या चीज़ है, हेयर प्रॉस्पेक्ट्स शो साइंस ऑफ इंटेंट टू परचेज सच एज एडिंग आइटम्स टू अ शॉपिंग कार्ट और रिक्वेस्टिंग अ कोड. योर फोकस शुड बी ऑन कन्वर्टिंग दिस लीड्स इनटू कस्टमर्स थ्रू परस्यूसिव कॉल्स टू एक्शन, स्पेशल ऑफर्स और पर्सनलाइज्ड फॉलोअप्स. तो आपने पर्सनलाइज्ड फॉलोअप्स भी रखनी है आपने कॉल टू एक्शन बटन. आपने कॉल टू एक्शन, बेसिकली कॉल टू एक्शन ये होता है कि आपने कोई अच्छा सा फनल क्रिएट किया, आपने कोई अच्छा सा उसके उसमें आपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन दी, आपका वैल्यूबल कॉन्टेंट था. लाइक आपने, मैं फिर एग्जाम्पल कोट करूँगा, आई रिपीट आई अगेन कि मैं फिर जो है वो इंटेंट के केस में मैं आपको एग्जाम्पल कोट करूँगा कि आपको किस तरीके से आपको जो है वो लाइक आपने को इन्फॉर्मेशन दी, सारी चीज़ें दी, आप वेट लूज के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं. तो लाइक आपने वहाँ पे एक छोटा सा आपने आपने एक बटन डिज़ाइन किया जिसमें आपने जिस बटन के ऊपर ये लिखा और लर्न मोर, राइट, लर्न मोर, यानी कि आपने एक अच्छा इंगेजिंग कॉन्टेंट, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें करने के बाद आपने लर्न मोर. अब जब वो लर्न मोर पर जाता है तो वो वहाँ लैंड कर जाता है उस मेन आपके एफिलिएट मार्केटिंग, अगर आपने ज्वाइन की हुई है एफिलिएट लिंक के थ्रू, अगर आप कोई प्रोडक्ट आपने ज्वाइन की हुई है, आपने कोई अमेजोन पे आपने आप कोई वेट लूज की प्रोडक्ट आपने कोई ज्वाइन की हुई है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उससे अगर अटैच्ड हैं तो वहाँ वो लैंडिंग पेज पे लैंड कर जाता है. वहाँ पर उसको कॉल टू एक्शन, वहाँ पर फिर उसको परचेज करने में वो चीज़ मज़ीद उसको वो हेल्प आउट करती है कि आपने एक अच्छा सा लैंडिंग पेज बनाया, अच्छा सा आपने फनल बनाया, उस पर सारी आपने वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपने ऐड की और फिर वो उसको आपके ऑडियंस को, आपके कस्टमर को एंड मोमेंट पे ले गई. तो बेसिकली ये चीज़ होती है. अच्छा, नंबर फिफ्थ पे हमारे पास परचेज है. दिस इज़ द पॉइंट वेयर अ लीड बिकम्स अ कस्टमर बाय मेकिंग परचेज. इट्स इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर अ स्मूथ एंड पॉजिटिव बाइंग एक्सपीरियंस टू एनकरेज satisfaction and loyalty. This can include streamlined checkout process, excellent customer service and confirmation emails. तो इन चीज़ों का भी आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने वहाँ पे जब कॉल टू एक्शन बटन आपने क्रिएट किया है तो वहाँ से आपने एक छोटा सा फॉर्म वहाँ पे आपने ऐड कर देना है जिसमें आप ईमेल कलेक्ट करेंगे और फिर आपने उनको थैंक्स का आपने उनको ईमेल करनी है. जब आपके पास मेल कलेक्ट हो जाती है तो फिर आपने उनको थैंक्स की ईमेल करनी है ताकि वो उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए उनको आपने इनक्रेज करना है और पॉजिटिव बाइंग एक्सपीरियंस को आपने इनक्रेज करना है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं. तो ये परचेज के केस में आपने इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि आपने इंपॉर्टेंट टू इंश्योर आ स्मूथ एंड पॉजिटिव बाइंग एक्सपीरियंस टू इनक्रेज सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी. तो ये इस चीज़ को आपने याद रखना है, इस चीज़ को आपने देखते हुए आपने ये सारी चीज़ें आपने परफॉर्म करनी है. अच्छा, नंबर सिक्स पर हमने रखी है रिटेंशन. नंबर सिक्स पे हमने ऐड किया रिटेंशन. रिटेंशन बेसिकली क्या है कि आफ्टर द परचेज द फोकस शिफ्ट्स टू रिटेनिंग कस्टमर एंड इनक्रेजिंग रिपीट बिजनेस. यानी कि आफ्टर द परचेज, खरीदने के बाद द फोकस शिफ्ट्स टू रिटेनिंग. रिटेनिंग क्या होती है, पलट कर आना, वापस आना कस्टमर्स का. यानी कि आपने उसको इतना अच्छे से आपने अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया, इतना अच्छा सा आपने फनल आपने डिज़ाइन किया, आपकी प्रोडक्ट में इतनी जान थी, आपके कंटेंट में इतनी जान थी. अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि प्रोडक्ट बेसिकली प्रोडक्ट तो सारी रिपीटेड रिपीटेड वही प्रोडक्ट है ना, वही कोई वेट लूज है, वही कहीं प्रोडक्ट जो है वो फिशिंग रॉड है, कहीं वो प्रोडक्ट जो है वो कोई कोई स्मार्टफोन है, कहीं वो टैब है, कहीं वो लैपटॉप है, कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में फॉल करती है, कोई अगर उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट है तो कहीं कोई नॉवल है तो वो ई बुक कैटेगरी में फॉल करती है. मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स देके आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली फनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसका मतलब मकसद क्या होता है, उसको हम करते किस तरीके से हैं और उससे हम सेल्स और बिजनेस किस तरीके से जनरेट करते हैं और उससे हम एक अच्छी ऑडियंस किस तरीके से अपनी एक अच्छा ट्रैफिक किस तरीके से ड्राइव करते हैं अपनी वेबसाइट पर, अगर हमारी खुद की भी वेबसाइट है या हमारा खुद के भी सोशल, ऑब्वियस सी बात है सोशल मीडिया पोस्ट सब करते हैं, सोशल मीडिया अकाउंट सबके होते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. जब आप डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना, मतलब ये इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा इसमें लेक्चर्स में बेसिकली कि आप किस तरीके से कितने कितने प्लेटफॉर्म को डिफरेंट ब्लॉग फॉरम्स होते हैं वहाँ जाके आप अपने ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, अपना आप लिंक्स ऐड कर सकते हैं, वो आपके लैंडिंग पेज पे आते हैं, वहाँ सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होती है, वही सारी चीज़ें रिपीट हो जाएंगी. तो खैर कम टू द टॉपिक,
टॉपिक की तरफ आते हैं कि आफ्टर परचेज जब आपकी ऑडियंस जो है वो आपका कस्टमर जो है जब किसी चीज़ को परचेज कर लेता है तो द फोकस शिफ्ट्स टू रिटेनिंग। तो उसका मतलब एक माइंड सेट होता है कि अगर आपने एक अच्छी वही सारी चीज़ें आपने एक अच्छा एंगेजिंग कंटेंट अच्छी प्रोडक्ट और अच्छी सारी चीज़ें आपने ऐड करी। लेकिन उस केस में मैं आपको अगेन बता रहा था कि अगेन वहाँ से बात को स्टार्ट करता हूँ कि प्रोडक्ट तो सारी वही होती हैं, प्रोडक्ट जो भी हो, लेकिन आपका कंटेंट इतना एंगेजिंग हो, आपने उसको इतना अच्छा डिज़ाइन किया हो कि उसका माइंड सेट ऐसा बन चुका हो कि वो रिटेनिंग होता है। ये भी चीज़ होती है कि आपका कस्टमर्स आपको रिटेंशन मिलती है, लेकिन ये भी चीज़ होती है कि प्रोडक्ट की भी क्वालिटी और ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी करना होता है, फिर आपके एक अच्छे आपने कीवर्ड के साथ जाना होता है, तो ये भी सारी चीज़ें ऐड होती हैं उसमें। तो आई होप कि अब आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, रिटेंशन रेलिवेंट आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगेन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आफ्टर द परचेज द फोकस शिफ्ट टू रिटेनिंग कस्टमर्स एंड इंकरेजिंग रिपीट बिजनेस, यानी कि वो इंकरेज करता है आपको रिपीट दोबारा आपको बिजनेस मिलने में। दिस इन्वॉल्व्स पोस्ट परचेज कम्युनिकेशन लॉयल्टी प्रोग्राम्स एंड एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट, इंगेजिंग कस्टमर थ्रू पर्सनलाइज्ड ऑफर्स एंड अपडेट्स हेल्प मेंटेन देयर इंटरेस्ट। यानी कि आप उसको अगेन आप उसको कस्टमर्स को आप मेल करते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह अगर कोई है डिफरेंट वेब्स डिफरेंट। आजकल तो सब जितने भी बड़े आप देख रहे हैं ना जितने भी बड़े नाम है लाइक अमेजोन है उसके ऊपर जितनी भी उसकी ट्री के नीचे अमेजोन की ट्री के अंडर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें से मोस्टली जो है वो लॉयल्टी प्रोग्राम्स दे रहे होते हैं। मोस्टली जो डिफरेंट इंडिविजुअल जो एफिलिएट प्रोग्राम्स भी हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल प्रोग्राम भी हैं तो वो भी लॉयल्टी प्रोग्राम वगैरह दे रहे होते हैं। आप उसके आगे आप उसके साथ भी जा सकते हैं, उनके लिंक्स भी आप उठा के प्रमोट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली मेरा कोर्स बिगनर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए और ऑल न्यू कमर फ्रीलांसर्स के लिए, तो मैं जो है वो बेसिक टू एडवांस लेके चलूँगा कि मैं अभी आपको बेसिक मतलब इसमें थोड़ी सी एडवांस चीज़ें ऐड हैं लेकिन ये सारी एडवांस हैं, लेकिन बेसिक इसकी यही है कि मैं बेसिक टू एडवांस लेके चलूँगा। बेसिक इसकी यही है कि आप डिफरेंट जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करें डिफरेंट, क्योंकि जो बड़े डिजिटल मार्केटर होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं उनको पता होता है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और वो अपनी भी वेबसाइट डेवलप करके अपनी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करके आप अपनी भी प्रोडक्ट को लेके आप कोई मार्केट से अपनी भी प्रोडक्ट रख के अपनी भी वेबसाइट बना के ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन आई नो दैट कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है वो बेसिकली एक मतलब बिगनर है, तो बिगनर के लिए भी इतनी इन्वेस्टमेंट करना उतनी सारी चीज़ें करना ये एक नेक्स्ट मतलब बात हो जाएगी, फर्दर बात हो जाएगी। तो अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, अभी मैं आपको इनिशियली समझा रहा हूँ कि आप उसको स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो एनीवेज़ आपके प्रोग्राम ज्वाइन करें, कोई आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करें और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो लॉयल्टी प्रोग्राम होते हैं उनके पास ऑलरेडी, तो वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं, एक्सेलेंट कस्टमर सपोर्ट होती है, इंगेजिंग कस्टमर्स होते हैं, तो ये इंगेजिंग कस्टमर्स आप इस तरीके से आप कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट के ज़रिए। तो वो कस्टमर सपोर्ट भी उनके पास वहाँ पे होती है, जब आप उनको अच्छा बिजनेस देंगे पोटेंशियल उनको आप एक अच्छा जो है वो क्रिएट करेंगे वहाँ पे, तो वो सारी की सारी चीज़ें खुद कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, नंबर 7 पे मैंने रखा है एडवोकेसी। एडवोकेसी बेसिकली क्या होती है, वकालत होती है, आप समझ ही गए होंगे। दिस फाइनल स्टेज इज वेयर सैटिस्फाइड कस्टमर्स बिकम एडवोकेट्स फॉर योर ब्रांड, दे मे लीव पॉजिटिव रिव्यूज, रेफर फ्रेंड और इंगेज विद योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया, इंकरेजिंग एंड लिवरेजिंग दिस एडवोकेसी कैन ड्राइव फर्दर ग्रोथ एंड अट्रैक्ट न्यू लीड्स। तो एडवोकेसी बेसिकली क्या होती है, ये फाइनल स्टेज होती है, इसको हमने 7 पे रखा है। ये बिल्कुल जो है ना रिटेंशन के बाद बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है, जब आपका कस्टमर्स आपसे फुली आपसे सेटिस्फाइड है, आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, आपके कंटेंट से सेटिस्फाइड है, जो आपने उसमें ऐड की जो आपने उसमें इंफॉर्मेशन ऐड की है प्रोडक्ट बिल्कुल वैसी निकली है और यूज़फुल रही है उसके लिए वैल्यूबल रही है, उसके लिए रिजनेबल रही है, उसने डिफरेंट देखें। जब भी एक कस्टमर, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ कि जब भी एक ऑडियंस जब भी एक फनल्स बेसिकली क्यों क्रिएट करते हैं, तो फनल्स इसलिए बेसिकली क्रिएट करते हैं, ये चीज़ मैंने एंड में रखी थी आपको बताने के लिए कि बेसिकली जब भी कोई कस्टमर, क्योंकि ये डिजिटल एरा है, बेसिकली टेक्नोलॉजी एरा है, डिजिटल एरा है, ये डिजिटल दौर है। अब यहाँ पे अगर कोई ऑनलाइन कोई शॉपिंग करने जाता है, कोई एक आम इंसान भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जाता है जो कि सिर्फ मोबाइल यूज़र है, मोबाइल पे ही सारी सर्चेज और सारी चीज़ें मोस्टली मोबाइल यूज़र्स ही हैं बेसिकली। लेकिन मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल आपको कोट कर रहा हूँ कि कोई वॉच परचेज करने जाता है, कोई ग्लासेस परचेज करने जाता है, कोई आप कह लें कि कोई भी प्रोडक्ट कोई परचेज़ करने जाता है, कोई लैपटॉप परचेज़ करने जाता है, टैब परचेज़ करने जाता है, कोई आईपॉड परचेज़ करने जाता है, कुछ भी एयरबड्स परचेज़ करने जाता है,
बेसिकली, तो वो उसके बारे में पहले सर्च करता है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स दी प्रोडक्ट की, लोग बड़ी प्रोडक्ट भी परचेज करते हैं, बड़ी सर्विसेज भी जो है ना लोग परचेज करते हैं, तो वो सर्चेज करता है डिफरेंट, उसको पता होता है डिफरेंट सोशल मीडिया पे उसको टाइप करके सर्च कर लेता है, डिफरेंट वीडियो ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म पे जाता है लाइक टिकटॉक, लाइक यूट्यूब, लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाता है, वहाँ पे उसको टाइप करके वो सर्च कर लेता है, फिर वो अपने ब्राउज़र में आता है, वहाँ उसको टाइप करके गूगल में उसको सर्च कर लेता है। वो डायरेक्ट कोई भी परचेज़ नहीं करता, डायरेक्ट जो है वो डिजिटल मतलब उसमें ऑनलाइन परचेजिंग के केस में डायरेक्ट कोई भी परचेज़ नहीं करता है। फिज़िकली ऐसे तो मार्केट जाते हैं हम भी, डिफरेंट शॉप्स पे जाते हैं, डिफरेंट हम जो है वो मार्केट्स में जाते हैं, उसके बाद हम एंड प्रोडक्ट तक हम पहुंचते हैं, हमारी रीच होती है, फिर हमको हमारा माइंड मेकअप होता है, हमें सब जगहों से अच्छे रिजनेबल रेट्स मिल रहे होते हैं, सही प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रही होती है, अच्छी कन्विंसिंग हम जो है ना हमें अच्छा कन्विंसिंग पर्सन मिल रहा होता है, लाइक जिसको हम सेल्समैन कहते हैं, वो हमें अच्छे से कन्विंस करता है, अच्छे से ट्रीट करता है, हम उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो यही बेसिकली दैट्स कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग एंड दैट्स कॉल्ड द ऑनलाइन सेल्स एंड परचेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा जो कस्टमर होता है बेसिकली हमारा वकील बन चुका होता है हमारी प्रोडक्ट का, जब हम ये सारी चीज़ें उसमें ऐड कर देते हैं, जब हमसे सेटिस्फाइड हो जाता है तो हमारी प्रोडक्ट का ही वकील बनता है, फिर वो रेफ़र करता है अपने फ्रेंड्स को, फिर हम उसको फिर डिफरेंट जो मतलब जो अच्छे डिजिटल मार्केटर होते हैं वो गिव अवे देते हैं कि अगर आप मतलब अगर आप इतनी प्रोडक्ट बाय करते हैं, अगर आप 2 से 3 फ्रेंड्स को अपने रेफ़र करते हैं तो मैं आपको इतना डिस्काउंट दूंगा। ये सारा का सारा कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ होती है बेसिकली। लेकिन ये बिल्कुल एंड मोमेंट है, तो आप कोशिश करें कि आप यहाँ तक पहुँचें, और आई होप कि आप सब पहुँचेंगे। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि मार्केटिंग फनल्स हैव बिजनेस स्ट्रेटजीज देयर डिजिटल मार्केटिंग एफर्ट्स एंड ईच स्टेज ऑफ द कस्टमर जर्नी राइट इंश्योरिंग दैट दे प्रोवाइड रेलिवेंट कॉन्टेंट एंड टच पॉइंट्स टू गाइड प्रॉस्पेक्ट्स टूवर्ड्स कन्वर्सेशन एंड रिटेंशन। तो बेसिकली मार्केटिंग फनल्स आपको हेल्प करते हैं आपके बिजनेस स्ट्रैटेजीज को करने में, डिजिटल मार्केटिंग की एफर्ट्स को कंप्लीट करने में, डिजिटल मार्केटिंग की स्टेज पे आपको लाने में, आपको ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं ऑफ द कस्टमर जर्नी, मतलब एक सारी जर्नी को तय करते हुए, और इंश्योर करते हैं दैट दे प्रोवाइड रेलिवेंट कॉन्टेंट एंड टच पॉइंट टू गाइड प्रोस्पेक्ट टू वर्ड कन्वर्सेशन एंड रिटेंशन। तो बेसिकली फनल्स का ये मतलब रोल होता है एक डिजिटल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटर के लिए। तो आई होप कि आपको आज का डिटेल्ड लेक्चर नंबर 3 और टॉपिक हमारा था आज का व्हाट इज़ कम्युनिकेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग, आपको समझ आया होगा, और आपको इससे रेलिवेंट जो भी आपको आंसर्स हो, जो भी आपको क्वेश्चंस हो, वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।